हेलो इंजीनियर्स, दिस इज रोबोटिक्स कांति। तो आज आपके लिए लाए हैं फिंगर का जो कि रिमोट, जो आपके उंगली पे आप इसको आसानी से भिड़ा सकते हैं और इस पर एक ही बटन है, इसको क्लिक करके आप किसी भी चीज को ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर आप दरवाजा का डोर लॉक खोल सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं सेम प्रोग्रामिंग से, ठीक है। तो ये हैक होने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसका जो अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो आपका खुद का प्रोग्रामिंग होगा। मतलब इसका जो कोडिंग होगा, जो फ्रीक्वेंसी इसमें से निकलेगा वही फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा, किसी और को नहीं पता होगा। तो इसलिए जो आप दबाएंगे और जिसके इसके साथ कनेक्शन करेंगे सभी ओपन होगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो फिंगर रिमोट है उसको हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं आसानी से, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रिमोट है, ठीक है। तो रिमोट पर एक ही IR जो कि सेंडर होते हैं और यहाँ पे बहुत सारी की रहता है, तो जिस की पे दबाएंगे अलग अलग जो कि फ्रिक्वेंसी इसमें से निकलेगा। इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने ये रिमोट बनाया है। तो आप इस पर देख सकते हैं एक बटन से हमने एक ही सिग्नल इसमें से भेजेंगे और वही जो सिग्नल है, जो कोडिंग हमने इस पर डाला है, वही कोडिंग जो जो सेंसर पे आप डालेंगे वो सेंसर ही काम करेगा, अलग से कोई सेंसर पे काम नहीं करेगा। तो ये जो माइक्रो कंट्रोल आप देख रहे हैं 1885, इसको किस प्रकार से प्रोग्रामिंग किया है चलिए अभी देखते हैं हम लोग। फिंगर रिमोट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस पर ज्यादा कुछ कंपोनेंट हमने लगाया नहीं है, सिर्फ कुछ कंपोनेंट से इसको बनाया है। तो अभी हम लोग इसका जो सेंसर है वो सेंसर हम लोग बनाएंगे और वही सेंसर पे रिले के मदद से आसानी से किसी भी चीज को ऑन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग सेंसर को बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको इसके साथ कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। Thank you.
देख सकते हैं ये सेंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस सेंसर को आप जितने डिवाइस पे लगाएंगे उतना सेंसर आपको बनाना होगा, ठीक है। और फिंगर, जो फिंगर रिंग है वो एक ही होगा, एक ही मदद से सभी को कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो मैंने एक ही बनाया है सेंसर, आप चाहे तो दो तीन चार कितने चाहे उतने बना सकते हैं। और जो कूलिंग इस पे डाला है, जो फ्रीक्वेंसी इस पे डाला है, वही फ्रीक्वेंसी इस पर डालना पड़ेगा। जितने सेंसर बनाएंगे सभी पे डालना पड़ेगा। तो डालने के बाद ये काम करेगा। तो अभी जो ये जो सब कुछ तो कंप्लीट हो गया है, तो इस पर हम लोग अभी प्रोग्रामिंग डालेंगे। डालने के बाद हम लोग देखेंगे इसको टेस्ट करके। तो अभी चलिए इस पर प्रोग्रामिंग हम लोग डालते हैं। तो 1885 जो माइक्रोकंट्रोलर है, इस पर जो प्रोग्रामिंग अपलोड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक आर्डिनो लेना होगा। आप कोई भी आर्डिनो ले सकते हैं, मैं आर्डिनो नैनो ले रहा हूँ। तो इसका जो पिन का डायग्राम है वो जरूरी है, जो कि D10 जो है वो होगा SS, ठीक है। उसके बाद D11 होगा MOSI और D12 जो है वो होगा MISO, ठीक है। और उस तरफ अगर दूसरी तरफ देखेंगे D13 जो है वो होगा SCK। तो अभी इसी पिन को हम लोग इस पर कनेक्शन करेंगे। 1885 का जो पहला है वो BCC, उसके बाद SCK, उसके बाद MISO होगा, उसके बाद MOSI होगा, ठीक है। अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड आप दे सकते हैं और यहाँ पे SS, ठीक है। तो सेम टू सेम कनेक्शन हम लोग इस पर करेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ब्रेडबोर्ड पे हम लोग डालते हैं, उसके बाद इस पर प्रोग्रामिंग डालना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग जो है वो एग्जाम्पल पे जाके हम लोगों को आर्डिनो ISP जो है इसको ओपन करना होगा। यहाँ पे देखिए सभी पिन का कनेक्शन इसमें लिखा रहा है, सिर्फ इसको अपलोड कर देना होगा। तो ये जस्ट अपलोड हो जाएगा आर्डिनो पे। तो उसके बाद हम लोगों को इसका कनेक्शन करना होगा 1885 के साथ, ठीक है। तो जो जो पिन का कनेक्शन हमने किया है सभी पिन को एक एक करके हम लोग इस पर कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए D10 को हम लोग कनेक्शन कर दिया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते ग्राउंड को हमने कनेक्शन कर दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग सभी पिन को सभी पिन के साथ जो जो MOSI है, MISO है, SS है, SCK है, सभी को एक साथ कनेक्शन करना होगा। तो हमने सभी को कनेक्शन कर दिया है। तो अभी इस पर अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए हम लोगों को इसका जो आर्डिनो है इस पर एक कैपेसिटर लगाना होगा, जो कि हम लोगों का कैपेसिटर हम ले रहे हैं 10 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर ले रहे हैं। तो वो कैपेसिटर हम लोग इस पर डालेंगे रीसेट और ग्राउंड के साथ। तो देखिए रीसेट और ग्राउंड के साथ हम लोग इसको कनेक्शन कर दिया। उसके बाद हम लोग जो कि USB जैक हम लोग इस पर डालेंगे। डालने के बाद जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग को हम लोग इस पर डालना होगा। तो यहाँ पे जाके हम लोगों को सबसे पहले जो कि 1885 का जो प्रोग्रामिंग का कोड है उसको हम लोग इस पर लूट करना होगा, ठीक है। जो URL है इसको यहाँ पे लूट करना होगा प्रेफरेंसेस पे। तो करने के बाद ओके देना होगा। ओके देने के बाद तो मैं इस पर ओके दे रहा हूँ। ओके देने के बाद अभी हम लोग जो कि टूल्स पे जाएंगे। जाने के बाद बोर्ड मैनेजर पे जाएंगे। यहाँ पे जाके बोर्ड पे जाके बोर्ड मैनेजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग 1885 हम लोग इस पर लिखेंगे। तो 1885 इस पर लिखने पर ये आ जाएगा। मैं पहले इंस्टॉल कर दिया, आप इसको इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद जो 1885 का जो भी बोर्ड है सभी बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो करने के बाद अभी हम लोग टूल्स पे जाएंगे, जो प्रोग्रामिंग है उसको हम लोग ओपन कर लेंगे, जो प्रोग्रामिंग इस पर अपलोड करेंगे। तो उसके बाद टूल्स पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आप जो कि 1885 इस पर लिखा आ रहा है इसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो देखिएगा 1885 सबसे लास्ट में आ रहा है। तो ये आ गया है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग 1885 का जो प्रोसेसर है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने लगाया है 1885, तो लास्ट का 1885 है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो देखिए ये IC है 1885, तो इस पर क्लिक कर दिया। तो अभी हम लोग क्लॉक पे जाएंगे। क्लॉक हम लोग 1 MHz पे रखेंगे। तो इसको सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद पोर्ट हम लोग जो पोर्ट पे लगा दिया उसको सिलेक्ट करेंगे और प्रोग्राम पे जाएंगे। जाने के बाद USB ASP जो है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जो आर्डिनो ASP होगा उस पर क्लिक करके हम लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग को अपलोड कर देना होगा। और अभी देखिए ये अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद ये प्रोग्रामिंग कम्प्लीटली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस 1885 से काम कर सकते हैं। Thank you.
अभी आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोकंट्रोलर एक लगाया है जो कि आईआर रिसीवर को ये कंट्रोल करके रिले पे भेजेगा। तो रिले से हम लोग हाई वोल्टेज आउटपुट कर सकते हैं। मैंने 12 वोल्ट का हाई वोल्टेज इसमें दे दिया है, आप चाहे तो एसी भी आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमोट को हमने इस तरह बना दिया है, ठीक है। रिमोट पर कई सारे बटन होते हैं लेकिन इस पर सिर्फ एक ही बटन होते हैं, जिसको अगर दबाएंगे एक ही सिग्नल निकलेगा इस आईआर सेंडर से। तो नीचे की तरफ एक बैटरी देख सकते हैं और यहाँ पे 1885 जो कि माइक्रोकंट्रोलर हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो जब भी इसमें दबाएंगे तो ये काम करेगा। देखिएगा मैं इसको दबाता हूँ तो ये काम कर रहा है बहुत ही अच्छे से। तो जितने बार आप दबाएंगे उतनी बार ये काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक गैजेट है। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से इसको बनाया है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक फिंगर रिंग हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।